चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज ये क्या मैं दिखा रही हूँ, ये है खोया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, रक्षाबंधन आने ही वाला है, तो मैं आज इसके पेड़े बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना रक्षाबंधन स्पेशल कोई मीठा दिखाते हैं, आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो मैं पेड़ा बनाऊँगी और थोड़ा सा मैंने इतना सा निकाल लिया है कि देखती हूँ, शायद मैं इसके गुलाब जामुन बनाऊँ। अगर बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको मैंने नहीं भूना है, इसको हल्का सा बस भून, हल्का सा गर्म इसलिए कर लिया कि ख़राब ना होने पाए, और इसको भून लिया है अच्छे से। तो इसी में अभी मैं इसको खाली करके इसी में चाशनी बनाऊंगी। और इधर ये मैंने इलायची कूट के रख ली है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया से स्वादिष्ट पेड़े, भुने खोए के जो बनते हैं उस तरीके से। और घर की बनी मिठाई की तो बात ही अलग होती है। तो बस राखी स्पेशल मेरी ये आज की जो डिश है, स्वीट डिश राखी स्पेशल, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, क्योंकि जैसा वो खोया दिख रहा वाइट वैसा था, मैंने इसको खूब अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद चाशनी बना के उसमें इसको डाल के और पेड़े बनाने हैं खूब अच्छे से, मतलब जो क्या बोलते हैं हलवाई लोग जिस तरीके से घोटते हैं उस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले मैं खाली कर लेती हूँ, इसी में मैं चीनी गलाऊँगी। बस ये इतना सा ही पानी डालेंगे। और ये चीनी मैंने निकाल के रखी है, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, उसमें डाल दूंगी ये चीनी। और इसको गलने देते हैं अच्छे से। और अभी देखिए चीनी गल रही है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये इलायची पाउडर जो मैंने कूट के रखा है, ये है, इसको डाल दूंगी। तो ये देखिए चीनी हमारी गल चुकी है, तो ये देखिए चीनी हम गल चुकी है। और आप डाल देते हैं ये खोया। और इसको चलाते रहेंगे। और गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। तो ये देखिए इसको मैं धीमी धीमी आंच पे बहुत देर से भून रही हूँ। चुका है और इसको बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ठंडा होने के लिए मैं इसको रूम में ले चलती हूँ, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है किचन में, और ठंडा हो जाएगा तो फिर वहीं पर बैठ के इसके पेड़े बना लेंगे। तो मैं इसको रूम में ले जाती हूँ। मैं इसको रूम में ले आई हूँ और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं पेड़े। फ्रेंड्स, ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है और इसको मैंने हल्का सा और भूना था, क्योंकि वो ज़्यादा पतला सा मुझे लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद ना बंध पाए पेड़े।
और अब ये थोड़ा अभी थोड़ा सा गर्म है। एक देखिए मैंने ऐसे बना के ट्राई किया था तो बन रहे हैं अच्छे से, और थोड़ा सा मैंने हाथों में घी लगा लिया है। तो बस इस तरीके से इसको गोल करके और ये हल्का सा ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल पेड़े वाली डिज़ाइन जैसे कि हलवाई लोगों के यहाँ रहता है। तो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा करना होता है। और आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम या कुछ भी पिस्ता लगा के थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा है गरम, लेकिन फिर बहुत ठंडा हो जाएगा तब भी नहीं बंधेगा, इस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको बनाना। और अन्य स्कूल से आ गई, अन्य देखते ही बड़ी खुश हो गई कि वाह, क्योंकि अन्य को बहुत पसंद है पेड़े। बहुत छोटे भी नहीं ना बहुत बड़े, मीडियम साइज के रखूंगी। तो बस ये बन गया। इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर बनाती जा रही हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। अन्य इधर से दो उठा लेंगी, उनको बहुत टेस्टी लग रहा है। और अभी अभी गर्म था तो थोड़ा सा ये वाला फैल गया, लेकिन आप देखिए टाइट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता तो फिर ना बन पाता, इसलिए मैंने हल्के गुनगुने में ही स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन आराम से बंध जा रहे हैं, और ज़्यादा बस एक ही बार घी लगाए क्योंकि घी तो इसमें ऑलरेडी छूट रहा है, तो उतना घी भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ी। एक बार मैंने लगा लिया कि चिपके ना। और बस कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से रक्षाबंधन में घर में मिठाई बना के सेलिब्रेट कर सकते हैं। घर की एकदम बिल्कुल शुद्ध रहती है, प्योर। और मार्केट में तो मिलावट रहता है, वैसे मार्केट से तो हम लोग खरीदते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बना के बताऊं, और कि राखी पे किस तरीके से थोड़ा हम लोग कुछ अपने आप भी बना लें। अभी जो मैंने थोड़ा खोया बचाया है उसका मैं कभी सोच रही हूँ ब्रेड की कोई डिश बनाऊँ या फिर गुलाब जामुन बनाऊँ, देखती हूँ जो मुझे समझ में आएगा। तो वो रेसिपी भी जब बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैं बना लेती हूँ। मैंने बीच में इसलिए दिखाया कि देखिए अन्य को इतने अच्छे लगे कि अन्य इसमें से दो उठा ले गई, और अभी और भी ले सकती हैं क्यों अन्य कि नहीं लोगी अब कह रही लेंगे। पेड़े बनके रेडी हो गए। आप सोच रहे होंगे इसमें इतने जरा से, तो बाकी प्लेट में रखे हुए हैं, ये ठंडे हो रहे हैं अभी। और ये जो पहले के बने थे वो मैंने इसमें रख लिए, तो खाने में बहुत ही यम्मी है, क्योंकि अन्य ने भी खाया और अन्य पापा को भी देके आई थी, तो पापा ही बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको कैसे लगे, और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। कि जैसे मतलब अगर हम लोग बाज़ार से तो मिठाई लाते ही हैं, लेकिन अगर हाथ का बना कुछ ऐसे राखी पे भाई को अपने खिलाएं तो और खुशी होगी, अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। और सच में बहुत यम्मी, क्योंकि एकदम इसमें सौंधापन आ गया है, बहुत भुन गया है तो उसकी वजह से सौंधापन आ गया है, तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं ये। मतलब अभी मैंने नहीं खाया, लेकिन अन्य ने बताया कि बहुत टेस्टी लग रहा है, और इसकी महक से लग रहा है, क्योंकि सोधी सी जो महक आ रही है उससे लग रहा है कि काफ़ी टेस्टी होगा। मैं भी अभी टेस्ट करके देखूंगी। मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि देखिए रेडी हो गए, उसके बाद फिर मैं आराम से टेस्ट करूंगी। तो ये ठंडे हो चुके हैं, और इसमें जो अभी तुरंत के बनाए वो प्लेट में रखे हुए हैं। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे लगे। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कोशिश करूँगी कि और भी कोई अच्छी सी स्वीट डिश की ही रेसिपी लेके आऊँ, और देखती हूँ मैं जो भी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। तो राखी स्पेशल जो हमारा स्वीट डिश है उससे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।